Now see, question number 3 is write following ratio in reduced form. क्या लिखा है? Write following ratio in reduced form. Radius to diameter of a circle. Ratio of radius to diameter of a circle. क्या दिया है? Ratio of radius to diameter of circle is equal to radius क्या है? R. और diameter कैसे find करते हैं? 2 into R. Diameter कैसे find करते हैं? 2 into R. So R upon 2R is equal to 1 into R, 2 into R. R R cancel. R stand for radius. R R cancel. बचा क्या? 1 upon 2. It is 1 ratio 2. It is 1 ratio 2. ओके, सेकंड सम देखो, रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. अब इसमें लेंथ और ब्रेथ दिया है. द रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. इस रेक्टेंगल में लेंथ है 4 और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर. उसका डायगोनल के साथ रेशियो है. लेंथ का डायगोनल के साथ रेशियो है. तो जो दो हम लोग को साइड्स दिए हैं, लेंथ और ब्रेथ दिया है, उसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वेरी गुड, डायगोनल फाइंड करेंगे. डायगोनल, अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब क्या? 90 डिग्री. उसका डायगोनल जो है, ओके, तो डायगोनल ड्रा करोगे तो क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. लेंथ क्या है? 4 और ब्रेथ क्या है? 3. तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का है 9. 4 का स्क्वायर क्या है? 16 और 3 का क्या है? 9. दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 25. क्या आंसर आता है? 25. एंड देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू 5 बाय स्क्वायर रूट. डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ना. तो अगर दोनों साइड का हम लोग ने स्क्वायर रूट लिया तो डायगोनल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? डायगोनल. और 25 का क्या आएगा? 5. तो डायगोनल कितना है इसमें? 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज डायगोनल? 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू राइट अ रेशियो. रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ. रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ. तो डायगोनल कितना है? 5 और लेंथ कितना है? 4. दैट इज 5:4. क्या है? 5:4. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. नाउ थर्ड वन, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर. क्या दिया है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर के ऑफ एरिया के, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड. क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या? कि चारों जो साइड है उसको हम लोग प्लस करते हैं. स्क्वायर के चारों के चारों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो उसको साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करने से अच्छा है 4 इंटू साइड लिखा, राइट? तो 4 इंटू साइड और एरिया क्या है उसका? साइड स्क्वायर. वाई? बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल इंटू ब्रेथ. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. क्योंकि 90 डिग्री है चारों, तो वो क्या है? रेक्टेंगल है. लेकिन इसके साइड जो है, साइड स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है. ये तो फॉर्मूला है, तुम लोग को पता है, क्योंकि साइड और लेंथ क्या होती है? सेम होती है. तो 4 इंटू साइड अपॉन साइड स्क्वायर. सो 4 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर. 4 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर. अब 4 इंटू 4 का तो आंसर है 16. एंड 4 का स्क्वायर क्या? तो भी क्या आया? 16. डिवाइड का तो आंसर क्या आया? 1. एंड देयरफॉर रेशियो इज 1:1. क्या रेशियो आएगा? 1:1. समझ में आए? ये 1:1 तभी आ सकता है अगर इसकी साइड 4 होगी तो ही, वरना नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हुआ. राइट डाउन.